देखिए, पूरे बिहार की यही स्थिति है। ये तो पटना का मामला है, उसलिए उजागर हो गया, लेकिन और ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाए तो कितनी बद से बदतर स्थिति होगी। और टॉर्चों में ऑपरेशन हो रहे हैं बिना बिजली के, अस्पताल में बिजली नहीं, अस्पताल में लेकिन जनरेटर और तेल का बिल वो जारी है, लेकिन फिर भी टॉर्च हो रहे हैं, यानी घपला हो रहा है। आपको डॉक्टरों की कमी है हर जगह, कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, हर जगह कमी है। नकली दवाएं मार्केट में आ गई हैं, जब से मंगल पांडे बने तब से कोई रेड नहीं पड़ा है। आज तो निरुत्तर हो गए मंगल पांडे जी, जब विपक्ष के लोगों ने, साथियों ने हमारे सवाल पूछना शुरू किया तो कोई जवाब नहीं दे पाए। और जिस प्रकार से स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, वेंटिलेटर मशीन जो है वो खराब पड़ा रहता है, तो स्वास्थ्य जो सेवा है कहीं ना कहीं से हमको लग रहा है कि जानबूझ करके सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है भाजपा की सरकार में, और जो प्राइवेट अस्पताल है उनको फलाने फुलाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब गरीब तो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन अब तो देखिए मजबूरन गरीबों को भी प्राइवेट अस्पताल का रुख लेना पड़ता है, जो कि बड़ा दुखद है। और जब प्राइवेट अस्पतालों में जब डॉक्टर मतलब मरीज जाते हैं तो कितना महंगा इलाज होता है आप समझ सकते हैं। आज एसटी और को लेके भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सदन में भी सवाल उठा। हम बोल रहे हैं कि भाई ये लोग सरकार में बैठे रामविलास पासवान जी, ये लोग बोले जाके मोदी जी को कि हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे अगर आप नया विधेयक नहीं लाइएगा, तो दलितों को सुरक्षित नहीं रखिएगा। तो ये सरकार के लोगों ने अपने पक्ष को, एससी एसटी एक्ट को पक्ष को मजबूती के सामने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायालय का जो फैसला है उसका सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी वकील कमजोर रहा अपने पक्ष को रखने के लिए। अब रिव्यू में जाए उससे अच्छा तो हम चाहेंगे कि नया विधेयक ही ले आया जाए। रामविलास जी अगर वहां हैं, नीतीश कुमार जी वहां हैं, तो मेरे बातों का समर्थन करना चाहिए और नया विधेयक बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, रामनवमी को लेकर जिस तरह से सीएम अब लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था, दंगाइयों को तो सरकार में बुला करके मंत्री बना दिया, चोर दरवाजे से बैठा करके सरकार में बना दिया, जनादेश नहीं भी मिला था तो भी बेईमानों को बैठा दिया सरकार में, अब हाथ जोड़ने का नौटंकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सारा करना इनका है, सारा कार्रवाई जो है इनको करना था, खुल के ना तो गिरिराज सिंह का नाम ले पाते हैं ना किसी का नाम ले पाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दंगाइयों को तो ये सरकार मिला है, अब हाथ जोड़ करके किसको बेवकूफ बनाने का काम करें। बिहार की जनता जान गई है कि नीतीश कुमार जो है अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर।